तरह से हमें कोई भी कपड़ा चाहिए, इस तरह से हमें ऊन चाहिए, ये जो फैब्रिक ग्लू होती है हमें ये चाहिए, और इस तरह से आपके पास कोई भी कॉर्ड हो, जैसे नायलॉन की हो, कॉटन की हो, या कोई भी आपके पास इस तरह से कॉर्ड हो वो चाहिए हमें। इन्हीं सब चीज़ों से हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपके पास कपड़ा है उसमें से आपको एक लंबी स्ट्रिप कटिंग करनी है, हाफ इंच की अप्रॉक्स। यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी, पूरे कपड़े में से जितनी लंबी स्ट्रिप निकल सकती है आप उतनी लंबी स्ट्रिप इसमें से कटिंग कर लीजिए। ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये सिर्फ हम अभी के लिए लगा रहे हैं, बाद में हम इसे धागे से पूरा बांध देंगे तो फैब्रिक ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ हम इसको चिपकाने के लिए कर रहे हैं ताकि हम इसे बना सकें, बाद में हम इसे धागे से पक्का करेंगे। बस इस तरह से आपको इसके चारों तरफ इसको इस तरह से लपेटना है जैसे मैं ये कर रही हूँ। इस तरह से इसको चारों तरफ अच्छे से लपेट लीजिए। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ मुझे पूरा मैं पूरा लपेट लूँगी। ये देखिए मैंने पूरा इसे लपेट लिया, यहाँ पे मेरा खत्म हो गया। यहाँ से मैं आप इसमें एक और स्ट्रिप जोड़ के इसे आगे भी कंप्लीट कर सकते हैं या इसे बाद में भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको ग्लू से अभी फिलहाल बंद कर दूंगी, फिर आगे मैं इसमें इसी तरह से और फैब्रिक लगा लूँगी। अब हम इसे आगे बनाते हैं। हमें क्या करना है, एक सुई में इस तरह से धागा लेना है, जो भी आपके पास जिस भी कलर की ऊन अवेलेबल है, इस तरह से इसे इस तरह से ऐसे मोड़ना है। पहले हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से धागा धागा लेके। इसे आप सिंपल सुई धागे से भी जोड़ सकते हैं अगर जोड़ना चाहें, मैं तो इसी ऊन से ही जोड़ देती हूँ इस तरह से। ये हम बीच का पोर्शन बना रहे हैं, उसके बाद साइड में बनाना तो बहुत आसान होता है। ये मैंने आपस में जोड़ लिया इस तरह से, बीच का बना लिया मैंने। अब यहाँ से पहले मुझे इसे बुनना शुरू करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले मैंने इन्हें दोनों को जोड़ लिया इस तरह से। अब मैं यहाँ से इसे बुनना शुरू करूँगी। धागे को इस तरफ रखना है, इसके बीच में से निकालना है, इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से बनाना है। फिर से मुझे धागे को इसी तरफ रखना है, धागे को इस तरफ रखा और इसके बीच में से इस तरह से निकाल दिया। ये ये इस तरह से बनता रहेगा। फिर इसके बीच में से मैं लूँगी और इसे इस तरह से निकाल। अब इसे घुमाना है इस तरह से, ये देखिए। ये मैंने इसको यहाँ से इस तरह से मोड़ लिया और जो मैंने पहले धागा बनाया था उसमें से मैंने ले लिया और इसे इस तरह से बंद कर दिया। अब जो नीचे से लिया हुआ था उसी धागे के बीच में से लेके, ये देखिए
बस ये इसी तरह मुझे राउंड राउंड घुमाना है, और इस तरह से मैंने देखिए धागे के बीच में से लिया है। बस इसे घुमाते जाइए और इसी तरह से इसे बनाते रहिए धागे के साथ। ये देखिए मैं इसे फिर फोल्ड कर लूँगी, और यही जो मैंने धागे बनाए थे इन्हीं के साथ मैं इसे ये इस तरह से मेरा राउंड राउंड बनता रहेगा। तो इसी तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। इसी तरह से आपको गोल गोल घुमाते रहना है और इसे बनाते रहना है। जब नेक्स्ट रो आएगी तो मैं इसके बीच में से धागा लूंगी। जैसे मैंने ये बनाया हुआ था तो मैं इसके बीच में से, देखिए इसके बीच में से ले रही हूँ धागा, यहाँ पे देखिए जो मैंने लास्ट में बनाया हुआ था इसके बीच में से इस तरह से धागा ले रही हूँ, इस तरह से लेके फिर इसे इसके ऊपर से लेके इस तरह से फिर इस तरह से मैंने इसे बनाया। इसी तरह से हम इसे पूरा गोल गोल इस तरह से लपेट, ये देखिए इस तरह से हमने इस तरह से रेडी कर लिया। तो इस तरह से हमारा बन गया, ये इनफ थिक बनता है और बहुत ही टाइट और बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरह से हम जिसे बनाते रहेंगे तो ये इसी तरह से बनता रहेगा। इसी तरह से हमें इसे आगे कंटिन्यू करना है। ये देखिए बस इसे इस तरह से आगे बनाते रहिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए ये इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। जितना बड़ा आप फ्लोर मैट अपना बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा आप इसे बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप इसे बनाते रहिए। ये इसी तरह से आपका जितना बड़ा आप बनाना चाहे उतना बड़ा आप इसे कंप्लीट। ये देखिए हमारा बास्केट का बेस बन गया है। अब हमें इसे ऊपर बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है बनाने के लिए, पहले हम इसे बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से बना रहे थे, अब ये जो पट्टी है ये हमें इस तरह से ऊपर की तरफ कर देना है इसका मुँह, ताकि हम बास्केट ऊपर की तरफ बनाएं। तो अब हम इसे ऐसे बनाएंगे बाहर की तरफ से, इस तरह से पहले हम इसे ऐसे बना रहे थे पूरा, अब हम इसे इसे ऊपर की तरफ कर दूंगी मैं यहाँ से, और इसे मैं ऐसे बनाना शुरू करूंगी। इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया, और ये जो मेरा बीच वाला था इसमें से इस तरह से निकाल के इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रखूंगी बेसिकली मैं इसे इसके ऊपर यहाँ पे, और यहाँ यहाँ से इस तरह से इसे बनाती रहूंगी। ये देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से ये ऊपर को मेरी बास्केट बनती रहेगी। तो इसी तरह से मैं इसे बनाऊंगी। ये देखिए अब मैंने नेक्स्ट वाले में से निकाला और सेम उसी तरीके से ये मैंने इस तरह से ऊपर को बना दिया। फिर दोबारा से उसी तरह से नेक्स्ट में से निकाल के ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ, तो ये मेरी बास्केट इस तरह से ऊपर की तरफ बनती रहेगी। जब मेरी नेक्स्ट रो आएगी फिर मैं वो इसके ऊपर बनाऊंगी, फिर ऊपर इस तरह से। जितनी बड़ी बास्केट आप बनाना चाहें इस तरीके से उतनी बड़ी बास्केट आप बना सकते हैं।
ये देखिए मैंने एक रो बना दी यहाँ पे, ये मैंने बना दी। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक और रो बनाने जा रही हूँ सेम इसी तरह से। इसके ऊपर मैं इसे बनाऊंगी पूरा राउंड इस तरह से, ये देखिए। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि ये मेरी बास्केट की शेप शुरू हो रही है धीरे धीरे। देखिए अभी मैं तीसरी रो बनाऊंगी, मैंने पहले एक ये रो बनाई थी इसके ऊपर, फिर यहाँ से मैंने एक और रो शुरू कर दी है इसके ऊपर इसे लपेट के, और इसी तरह से मैं इसे लपेट लपेट के अपनी बास्केट को पूरा बनाऊंगी। तो अब हम इसमें तीसरी रो बनाएंगे। बनाने का मेथड बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। ये देखिए अब हम इसमें नेक्स्ट तीसरी रो बना रहे हैं, तो वो इस तरह से बनेगी। बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया मैंने इसे, और उसी में से जिसमें से हम पहले निकाल रहे थे जिस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे इसमें से भी निकालना है।